जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है और आए दिन किसी न किसी की शादी जरूर हो रही है। अब ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो नवविवाहित जोड़े हैं वो कुछ छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें ताकि उनके रिश्ते में मजबूती आए, उन लोगों को अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में जिनका ध्यान नवविवाहित जोड़ों को ज़रूर रखना चाहिए ताकि उनके रिश्ते में जो खलल है, जो कोई किसी प्रकार की परेशानी है वो ना आना पाए। आपको बता दें, हर चीज़ में वास्तु अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो आज हम आपको नवविवाहित जोड़ों के लिए कुछ ऐसे वास्तु टिप्स बताने जा रहे हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जो नवविवाहित जोड़ों को कमरा दिया जाता है उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आपको बता दें कि नवविवाहित को उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में यानी कि व्यय कोण की ओर शयनकक्ष उनका बनवाना चाहिए। वास्तु ये कहता है कि जो नव दंपत्ति को दक्षिण पूर्व की ओर सोना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में शुक्र का आधिपत्य माना जाता है और अग्नि का वास माना जाता है, जिसमें प्रेम संबंधों में वेग और ऊष्मा के लिए ये स्थान सबसे बेस्ट माना जाता है। इस दिशा में शयन कक्ष होने पर ऊर्जा और स्मृति का संचार होता है, वंश वृद्धि की इच्छा भी पूरी होती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि वास्तु तो ये भी कहता है कि मकान में वास्तु में ब्रह्म स्थान खुला ना होने, ऊंचाई कम होने और भारी निर्माण और अस्वच्छता दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश लेकर आती हैं। इसीलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें और दाम्पत्य पक्ष है जो है वो अपने कमरे को कुछ ज़्यादा साफ सुथरा रखेंगे तो उनके रिश्ते में और ज़्यादा मजबूती आएगी। और वास्तु की माने तो कभी भी अपने बेडरूम में दर्पण जो है दाम्पत्य के जीवन में सुख की कमी लेकर आता है, तो इसीलिए दर्पण को कभी अपने बेडरूम में ना लगाएं। अगर आग्नेय कोण में पानी का स्रोत हो तो भी दाम्पत्य जीवन में तनाव भर जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, ड्रेसिंग टेबल, विद्युत उपकरण, भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं भी दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश लेकर आती हैं। इसी के अनुसार अगर वास्तु के अनुसार ये समझे तो आपको बता दें, बेडरूम में कभी भी टीवी नहीं होना चाहिए, इससे पति पत्नी में दरार पैदा हो सकती है। बेडरूम में कभी भी पौधा नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा कैक्टस, कटीली झाड़ियों वाले पौधों को तो कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए, ये आपके झगड़ों का कारण बन सकती है। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप लोगों को ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।